स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज अपडेट में और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। लगभग 1140 घंटे पर पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर किला पुंछ में निरंतर रेखा पर मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 115वीं जयंती पर अमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नसीम बाग में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी रैंक और फाइल का निर्तव किया। जम्मू मिनी सचिवालय मंडार के पास फकरे कश्मीर के लोगों के साथ एक संगीत बैग मिला और क्षेत्र में दहशत का माहौल हुआ पैदा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद साहिद ने श्रीनगर में मीडिया को संबोधित किया और GDC उम्मीदवारों के प्रति उनकी लापरवाही के दृष्टिकोण पर सुरक्षा एजेंसियों को बाहर कर देती है और कहा भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रशासन और अन्य उम्मीदवारों के जीवन को खतरे में डालता है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी दफ्तर के सामने जोरदार तरीके के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से गुपकार गिरोह का पर्दा हुआ फाश, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने यह कहा। अब भाजपा के प्रवक्ता सुनील गुप्ता ने भाजपा कार्यालय पुंछ में एक पत्रकार वार्ता की। DDC निर्वाचन क्षेत्र सुंदरबनी की पंचायत चंगी कगराल के गांव कालीबड़ी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। आज जम्मू में डरमास ट्रस्ट ने गवर्नर हाउस के बाहर प्रशासन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति जनता यूनाइटेड GM शाहीन ने कहा कि वह चुनाव बूथों पर तैनात मतदान अधिकारियों को एक उचित प्रशासन की आवश्यकता है क्योंकि वह चुनाव नैतिकता और नियमों से अनजान हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इसी तरह देखते रहिए इनसाइड न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।